नमस्कार दोस्तों, आज हम खजूर और अंजीर की एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे जो हमारे शरीर को गर्म रखेगी और थकान को दूर करेगी। उसके लिए मैंने खजूर ले लिए हैं, इनका बीज निकाल दिया है और छोटा छोटा काट लिया है। इधर मैंने अंजीर ली है, अंजीर को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। कुछ खुमानी ले ली है, इनको सबको हम मिक्सर जार में डालकर अलग अलग पीस लेंगे। अंजीर का पानी निकाल देंगे हम। कुछ सूखे मेवे ले लिए हैं मैंने, काजू लिया है, काट लिया है, बादाम को भी काट लिया। इधर मेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, पिस्ता है, अखरोट है और इधर खरबूजे के बीज हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल हो वही ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले हम खुमानी और खजूर को पीस लेंगे। 1 चम्मच घी ले लेंगे हम, बादाम डालकर भून लेंगे, काजू डाल लेंगे, पिस्ता डाल लेंगे, अखरोट। अब हम पम्पकिन सीड्स डाल देंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे, थोड़े तरबूज के बीज डाल देंगे, इन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे। बीज चटकने लगे हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। उसी बर्तन में 1 चम्मच घी डाल देंगे, खजूर जो हमने पीसे हैं उन्हें भी इसी में डाल देंगे, अंजीर भी डाल देंगे इसी में और थोड़ी देर भुनेंगे। पाँच से 7 मिनट मैंने इसे भून लिया है, अब हम इसमें सूखे मेवे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे हम। गैस को बंद कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम पॉपी सीड्स या खसखस ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। जब खजूर हाथ को सहने लायक हो जाए तब हम इसको शेप दे लेंगे, चाहे तो पेड़े की शेप दीजिए, लड्डू की शेप या रोल की शेप, बर्फी, कुछ भी शेप दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। और पॉपी सीड में हम लपेट लेंगे, चाहे तो पूरी तरह से लपेटिए या एक साइड से। इजी, टेस्टी और हेल्दी खजूर के पेड़े तैयार हैं। शुगर फ्री पेड़े हैं ये, परिवार में छोटे बड़े सभी को ये खिला सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।